पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में हम जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं सबों को बधाई हमने पहले ही सुबह दे दिया है और पुनः आपके माध्यम से हम सबों को बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ इस चुनाव में जो छात्र जनता दल के जो भी साथी और कार्यकर्ता लगे हुए थे उन सबको भी बधाई देते हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बार के चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन किया है। और पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का चुनाव में जो जीत है वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज छात्रों और नौजवानों के बीच पॉपुलर है, यहां रोजगार सृजन हो रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है कि छात्र और नौजवान में सरकार की छवि बड़ी है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी उम्मीदवार लगभग एक को छोड़कर सभी पराजित हो गए, तो ये इस बात को दर्शाता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के का जो वादा किया था वो कहीं से पूरा नहीं हुआ, जुमला हो गया और आज की तारीख में भी कोई रोजगार सृजन की दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है, निजीकरण हो रहा है, रोजगार घट रहे हैं और सरकार केंद्र की सरकार रोजगार सृजन पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी ये सब ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए उनके बनिस्पत बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो प्रतिदिन लगभग नियुक्ति पत्र